हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल आर वेल एंड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मस्ट बी गोइंग वेल आल्सो। सो इन दिस वीडियो वी विल गोना डिस्कस अबाउट द अनदर फंजाई दैट इज पक्सीनिया एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू विल लर्न अबाउट द पक्सीनिया ग्रामिनिस। ओके, इन द प्रीवियस वीडियोज आई ऑलरेडी अपलोडेड सो मैनी कॉन्सेप्ट ऑफ फंजाई दैट इज लाइक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बाई एलेक्सोपोलस एज वेल एज एल्ब्यूगो कैंडाइडा, लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो कैंडाइडा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज चेक माई चैनल एंड विजिट इट वंस बिकॉज सो मैनी बेनिफिशियल वीडियोज आर देयर फॉर यू एंड स्टिल वेटिंग फॉर यू। ओके, सो प्लीज गो एंड चेक माई चैनल एंड प्लीज इफ यू आर न्यू प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सो पक्सीनिया आप लोगों का एक अनदर फंजाई है आप लोगों के सिलेबस से पक्सीनिया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो पक्सीनिया प्लीज़ आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान देना, देख लो PUCCINIA पक्सीनिया। नाउ क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग की आदत है कि अगर हम कोई भी स्पीसीज लेंगे तो सबसे पहले हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, अगर आप स्पीसीज लेते हो तो भी, जीनस लेते हो तो भी। तो पक्सीनिया क्या है? एक जीनस है। तो इसका किंगडम क्या है? फंजाई, या फिर इसके इसको हम लोग माइकोटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, किंगडम माइकोटा। डिवीज़न इज़ बेसिडोमाइसिटीज या फिर माइकोटा। क्लास इज पक्सीनियोमाइसिटीज। ऑर्डर इज पक्सीनिल्स एंड फैमिली इज पक्सीनेसी एंड जीनस इज पक्सीनिया। सो एज आई ऑलरेडी डिस्कस इन एल्ब्यूगोज वीडियो डैट कि अगर आपको ऑर्डर और फैमिली में कन्फ्यूज़न होता है और नहीं याद है आपको, तो वॉट यू हैव टू डू कि अगर आपको मान लो नहीं याद आ रहा है उस टाइम पर और आपको इतना याद है कि चलो जीनस पक्सीनिया है और हमें पक्सीनिया ग्रामिनिस के बारे में लिखना है, बट हमें ऑर्डर और फैमिली तो याद ही नहीं है, तो आपको क्या करना है कि पक्सीनिया के आगे आपको अगर ऑर्डर लिखना है तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको ALES, ठीक है, ये जोड़ना है, और अगर आपको फैमिली लिखनी है तो आपको जोड़ना है CEAE, ठीक है। लाइक एल्ब्यूगो में क्या था? एल्ब्यूगिनेस एंड एल्ब्यूगिनेसी, ठीक है। तो यही एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो, ठीक है। नाउ इसको और अगर इलाबोरेट करके पढ़ें तो पक्सीनिया में हम ये देखेंगे कि जीनस पक्सीनिया कंसिस्ट ऑफ मोर देन 4000 डिफरेंट स्पीसीज ऑल विच ऑफ आर प्लांट पैथोजन। तो पक्सीनिया जो होता है वो 4000, लाइक मैंने अभी ऊपर बताया कि पक्सीनिया एक जीनस है, ठीक है, पक्सीनिया एक जीनस है और इसकी काफ़ी सारी स्पीसीज हो सकती हैं। तो मोर देन 4000 डिफरेंट स्पीसीज हैं पक्सीनिया की, और सभी के सभी क्या है? प्लांट पैथोजन है, ठीक है। क्या है? प्लांट पैथोजन। दे आर नन टू कॉज रस्ट, ठीक है। ये किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि ये रस्ट डिसीज कॉज करते हैं मोनोकॉटिलीडॉन्स में एंड डाइकॉटिलीडॉन्स के प्लांट में, ठीक है। मेजर पैथोजन्स लाइक पक्सीनिया ग्रामिनिस जो कि एक स्टेम रस्ट कॉज करता है अफेक्ट सीरियल क्रॉप सच एज वीट एंड बार्ले। तो पक्सीनिया ग्रामिनिस जो है वो एक जनरली स्टेम रस्ट है। अगर आपसे कोई पूछे कि पक्सीनिया ग्रामिनिस कहाँ पर डिसीज कॉज करता है, कहाँ पर रस्ट कॉज करता है, तो वॉट यू हैव टू से कि स्टेम, ठीक है, वहाँ पर वो कॉज करता है। और सीरियल क्रॉप, जैसे सीरियल क्रॉप क्या होता है, जो आपके अनाज वाले क्रॉप होते हैं ना, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, तो इन सबों में ये क्या करता है? कॉज करता है डिसीज, दैट इज रस्ट। नाउ अनदर पॉइंट इज सम अदर स्पीसीज लाइक पक्सीनिया रिकॉन्डिटा जो कि ब्राउन रस्ट कॉज करता है, पक्सीनिया एस्पर्जी जो कि एस्पर्गस रस्ट कॉज करता है, पक्सीनिया सीडी जो कि ग्वावा रस्ट कॉज करता है। तो ये थोड़े बहुत पक्सीनिया के जीनस के साथ स्पीसीज जो हैं उनके एग्जाम्पल्स थे। नाउ अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पक्सीनिया की बात करें तो दो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है पक्सीनिया का, वो रिप्रेजेंट किया जाता है मोनो एंड डाइकैरियोट माइसीलियम। व्हाट इज माइसीलियम? तो अ ग्रुप ऑफ हाइफी को आप माइसीलियम बोल सकते हो। तो माइसीलियम मोनो और डाइकैरियोटिक माइसीलियम इसकी बॉडी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जनरली द डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम होता है उसमें टू न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, आर फाउंड इन प्राइमरी होस्ट। तो देखो पक्सीनिया के दो होस्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट एंड एक होता है सेकेंडरी होस्ट, ठीक है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो
जनरली जो डाइकैरियोटिक हैं, जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है वो जनरली कहाँ मिलते हैं, प्राइमरी होस्ट में मिलते हैं, ठीक है। अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि यार मोनो तो पहले आता है, डाई बाद में आता है, मींस मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू, तो नहीं प्राइमरी में मोनो आएगा, नहीं प्राइमरी में डाइकैरियोटिक माइसीलियम पाए जाएंगे, ठीक है। और वो कैसे होंगे, तो वो होंगे आपके टू न्यूक्लियाई, ठीक है, टू न्यूक्लियाई उनमें प्रेजेंट होगी। मोनोकैरियोटिक जो माइसीलियम होगा वो नाम से ही पता चला है कि सिंगल न्यूक्लियाई होगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दे रही हूँ, ठीक है। देखो डाई लिखा है ना, डाई कैरियोटिक, ठीक, तो डाई कैरियोटिक है तो डाई मतलब दो, ठीक है, दो। और कैरियो वर्ड कहीं भी आया ना, मीन्स कैरियन वर्ड जिसे हम लोग कैरियो भी बोलते हैं, कैरियो वर्ड अगर कहीं भी आएगा तो डैट मीन्स कि द वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है डाई कैरियोटिक, तो डैट मीन्स कि दो न्यूक्लियस होंगे, मीन्स टू न्यूक्लियाई होंगी। और अगर सिंगल न्यूक्ली है तो वहाँ पर होगा मोनोकैरियोटिक, ठीक है, आपको समझ में आया, क्योंकि मोनो मतलब वन, कैरियो मतलब न्यूक्लियाई, डाई मतलब टू, कैरियो मतलब न्यूक्लियाई, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या जानना है कि जो मोनोकैरियोटिक है वो होगा आपका सेकेंडरी होस्ट में, और जो डाइकैरियोटिक होगा माइसीलियम वो होगा आपका प्राइमरी होस्ट में, ठीक है। इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, आप समझ में आ गया होगा, आई होप कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और देखो कि जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, पक्सीनिया में सेप्टेट होता है और ट्यूबुलर होता है और हाइपी, ठीक है। माइसीलियम किससे बनाता है, हाइपी से बना होता है, तो जो माइसीलियम के जो हाइपी होते हैं वो होता है सेप्टेट एंड ट्यूबुलर, किस में, पक्सीनिया में, ठीक है। तो ये था, अगर आपको देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ आप लोग साथ में लेते चलो स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं एक बार और ऊपर ये इरेज कर देती हूँ सो डैट कि आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द अनदर स्लाइड, दैट इज पक्सीनिया ग्रैमिनिस। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और ये वीट पे क्या करता है, रस्ट कॉज करता है। और कैसा रस्ट कॉज करता है, तो स्टेम रस्ट कॉज करता है, ठीक है। द लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू होस्ट, इनके दो होस्ट होते हैं, ठीक है। अगर देखो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ, एडिशन कर देती हूँ कि जो होस्ट होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। होस्ट क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी और, ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, तो जो वो और वाला है ना ऑर्गेनिज्म, जो दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाता है, होस्ट हो जाता है पहले वाले ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, आप समझ रहे हो। लाइक मैं सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल आपको देती हूँ कि लाइस, ठीक है, जो बॉडी में जनरली जो हेयर में लाइस पाए जाते हैं, जुए पाए जाते हैं, सो जो लाइस होता है उसका होस्ट कौन हो गया, एक इंसान हो गया, ठीक है, क्योंकि वो उसी पे तो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना, तो उसी को होस्ट कहते हैं। कि अगर पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान पर, या पहला वाला ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या कर रहा है, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर रहा है, तो जो सेकंड ऑर्गेनिज्म होगा जिस पे लाइफ साइकिल पूरी हो रही है उसे हम लोग होस्ट कहते हैं। तो पक्सीनिया का जो पहला होस्ट होता है, मैंने पहले ही बताया था कि ये दो होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो जो फर्स्ट होस्ट होता है उसे, वो होता है वीट, और उसी को हम लोग प्राइमरी होस्ट कहते हैं। और जो सेकेंड होस्ट होता है है वो होता है बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी, जिसे हम लोग सेकेंडरी होस्ट कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी होस्ट वीट और सेकेंडरी होस्ट बेरी बेरी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ स्टेम रस्ट अफेक्ट्स पार्ट ऑफ द प्लांट दैट आर अबव ग्राउंड। तो स्टेम रस्ट क्या होता है, आप लोग को पहले से ही पता है कि एक रूट होता है, एक रूट सिस्टम होता है, एक आपका स्टेम सिस्टम होता है, मीन सूट सिस्टम होता है, जिसमें आपके स्टेम आते हैं। तो यही बोला है कि जो ऊपर से ये ग्राउंड हो गया मान लो, तो ये तो नीचे इसका रूट हो गया, ये सारे प्लांट के ये हो गए आपके सूट, तो इतने ही एरिया को वो कॉज करेगा पक्सीनिया, ठीक है। वो उसको रूट से कोई मतलब नहीं है, और ज़्यादातर लीफ से भी कोई मतलब नहीं है, उसे बस मतलब है स्टेम से। इन वीट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन और ब्लैक इलोंगेटेड पिस्ट्यूल्स। तो आपको अगर वीट में अगर ब्राउन कलर का या फिर ब्लैक कलर का ऐसा इलोंगेटेड टाइप में अगर ऐसा रस्ट दिखता है, तो डैट मीन्स कि इट इज़ कॉज्ड बाई पक्सीनिया ग्रैमिनिस, या फिर कोई पिस्ट्यूल लाइक। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस टाइम पर कि जो यहाँ पर आप रस्ट देख रहे हो ब्राउन एंड ब्लैक में, ये वीट पर रस्ट है। तो इसी तरीके के कुछ पिस्ट्यूल्स भी पाए जाते हैं। इन बेरी बेरी फ्लास सेप साइनिया एडोशल एंड एशिया ऑन वेंट्रल साइड फॉर्म। अब देखो ये साइनिया एंड एशिया अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं ये आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ कि ये देखो ये है वीट का,
ठीक है, ये वीट, वीट में इन्होंने ब्लैक कलर या फिर ब्राउन कलर से रस्ट कॉज किया है। और ये रही स्टेम रस्ट किसकी, बेरी बेरी की, जहाँ पर आपको ऐसा फ्लास्क शेप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो ये फ्लास्क शेप का ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। इन्फेक्शन ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनिस रिजल्ट्स इन रिटार्डेड ग्रोथ, तो अगर इन्फेक्शन कर देता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस तो उसकी वजह से जो वीट के जो सीड होते हैं उनकी साइज़ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और ग्रोथ जो होता है वीट का वो क्या हो जाता है, रिटार्ड, मतलब कि कम होने लगता है, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, नाउ इन नॉर्थ इंडिया इट अपीयर्स इन मार्च, वाइल इन साउथ इट अपीयर्स इट द एंड ऑफ नवंबर। तो अगर मार्च के साइड पर अगर आप कोई भी ऐसा सिम्टम देख रहे हो वीट के प्लांट में कि आप लोगों को ब्लैक एंड ब्राउन कलर के इलोंगेटेड पिस्ट्यूल्स आपको दिख रहे हैं, तो डैट मीन्स कि आप कन्फर्म हो गए कि हाँ ये पक्सीनिया ग्रैमिनिस ने ही कॉज किया है, तो उसके लिए पेस्टिसाइड आ जाएगा, या फिर आगे मैं आपको बताऊँगी क्या करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए। और अगर हम लोग साउथ की बात करें तो साउथ में आपको अगर एंड ऑफ नवंबर में अगर किसी प्लांट में दिखता है तो इट विल कंफर्म कि हाँ ये पक्सीनिया ग्रैमिनिस। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल, मीन्स कि आउटलाइन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनिस। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस आई वांट टू क्लियर अनदर थिंग, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर डिस्कस अबाउट द थ्योरी, देन वी विल मूव ऑन दिस। ओके, सो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं कि जो लाइफ साइकिल होती है पक्सीनिया ग्रैमिनिस की वो होती है मैक्रोसाइक्लिक, डैट मीन्स कि मैक्रोसाइक्लिक मतलब कि बहुत बड़ी साइकिल होती है, और ये रस्ट कॉज करते हैं, कंटेनिंग 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, इनमें 5 स्टेजेस पाई जाती हैं ग्रोथ की। और कौन कौन सी स्टेज होती है, तो इनमें देखो 3 जो स्टेज होती हैं, डैट इज़ यूरिडियो स्टेज, टीलियो स्टेज एंड बैसिडियो स्टेज, ये आपकी होती हैं वीट में। ठीक है, ये 3 स्टेज वो वीट में मीन्स की प्राइमरी होस्ट में अपना ये 3 स्टेज कंप्लीट करेंगे, एंड जो आगे की जो 2 स्टेज होंगी, डैट इज़ पक्सीनिया एंड सॉरी सिनिडियल और एसीएल, ठीक है, एसीडियल या फिर एशियल आप बोल सकते हो, ये आपकी बेरी बेरी में कंप्लीट करेंगी। ठीक है, तो 3 स्टेज प्राइमरी होस्ट डैट इज़ वीट में होगा, और 2 स्टेज जो कि सेकेंडरी होस्ट में होगा, और डैट इज़ बेरी बेरी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। नाउ लेट सी कि आखिर ये सारी स्टेजेस हैं क्या। ठीक है, तो पक्सीनिया के अगर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें वीट के फर्स्ट स्टेज में, तो डैट इज़ यूरिडियो स्टेज। यूरिडियो स्टेज में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल बाई न्यूक्लियेट यूरिडियो स्पोर आर ऑन स्टॉक। तो वीट के स्टॉक पे क्या पाए जाएंगे, यूरिडियो स्पोर पाए जाएंगे, और वो कैसे होंगे, बाई न्यूक्लिएटेड होंगे और सिंगल सेल होंगे, मतलब कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा। देन यूरिडियो स्पोर फॉर्म जर्म ट्यूब डैट अप्लाई प्रेशर ऑन एपिडर्मिस ब्रेकिंग इट एंड फॉर्मिंग यूरिडिनिया। ठीक है, सो यूरिडियो स्पोर क्या करता है, जर्म ट्यूब पर प्रेशर अप्लाई करता है जिसके वजह से एपिडर्मिस ब्रेक हो जाता है और यूरिडिनिया का फॉर्मेशन हो जाता है होस्ट की बॉडी पे। ठीक है, उसके बाद जो यूरिडियो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करता है और अपने माइसीलिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, माइसीलिया किस में चला जाएगा, फिर एपिडर्मिस के अंदर, क्योंकि एपिडर्मिस हो गया है प्रेशर की वजह से ब्रेक, तो यूरिडियो जो होगा स्पोर वो चला जाएगा, उसका माइसीलिया, यूरिडियो स्पोर का माइसीलिया किस में जाएगा, वीट के स्टेम के अंदर। ठीक है, नाउ टीलियल स्टेज है, तो टीलियल स्टेज में क्या होता है कि टीलिटियो स्पोर फॉर्मेशन फ्रॉम यूरिडियो स्पोर इन अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ग्रोथ। तो जो टीलिटियो स्पोर होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और टीलिटियो स्पोर का फॉर्मेशन कौन करता है, यूरिडियो स्पोर। ठीक है, ईच सेल हैज़ सिंगल जर्म पोर एंड 2 न्यूक्लियाई, इसमें भी जो सेल्स होती हैं वो सिंगल जर्म पोर उसमें पाए जाते हैं और 2 न्यूक्लियाई पाई जाती है। कैरियोगैमी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइप्लॉयड न्यूक्लियाई, कैरियोगैमी की वजह से डाइप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाते हैं। स्पोर्स रिजल्ट अनटिल फेवरेबल कंडीशन, और स्पोर तब तक बाहर नहीं निकलते हैं जब तक कि उन्हें कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती है। उसके बाद बैसिडियल स्टेज आता है, और बैसिडियल स्टेज का फॉर्मेशन होता है, डेट इज़ हैप्लॉइड बैसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के, और मियोसिस किसका होता है, टीलिटियो स्पोर में जब मियोसिस होता है तो वो बना देता है बैसिडियो स्पोर, और टीलिटियो स्पोर हमेशा ही 2N होता है, और जब इसमें मियोसिस होता है, डेट इज़ रिडक्शन डिवीज़न होता है, तो फिर यही बैसिडियल स्पोर डैट इज की एन बना देता है। ठीक है, एन हैप्लॉइड हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि इजेक्शन ऑफ स्पोर्स दैट आर कैरीड आउट बाय विंड टू सेकेंडरी होस्ट। अब यहाँ पर बैसिडियो स्पोर का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, और ये जब स्पोर बैसिडियो स्पोर बाहर निकलेंगे तो ये बाय विंड, ठीक है, हवा के वजह से ये वीट से उड़ करके कहाँ चले जाएंगे,
बेरी बेरी के पास चले जाएंगे। इनफैक्ट बेरी बेरी फॉर्मिंग हैप्लॉइड माइसीलिया, और वहाँ पर जाकर के बेरी बेरी पे जाकर के हैप्लॉइड माइसीलिया का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये तीन हो गई आपकी वीट में, ये तीनों स्टेज हो गए कि यूरिडियो स्पोर से बना टीलिटियो स्पोर से बना बेसिडियो स्पोर, और बेसिडियो स्पोर से आपका आगे बनेगा साइडियल स्पोर। ठीक है, सिनीडियल स्पोर, और सिनीडियल स्पोर ही आपका बेरी बेरी में सबसे पहला स्टेज होगा। ठीक है, तो बेरी बेरी का पहला स्टेज होगा सिनीडियल स्टेज, जिसमें कि फॉर्मेशन हो जाएगा सीनिया, ठीक है, सीनिया या फिर स्पर्मेटिया का। सीनिया जो होता है पी, यहाँ पर आप साइलेंट बोलते हो, सीनिया तो कोई बोलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पी साइलेंट है, तो सीनिया बोल सकते हो। सीनिया जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड सीनिशियो स्पोर को। सीनिशियो स्पोर जो होता है उसमें रिसेप्टिव हाइपी भी पाई जाती हैं, ये डिस्पर्ज होती हैं इंसेक्ट से, और सीनिचो जो सीनिशियो स्पोर होता है वो फर्टिलाइज करता है रिस्पेक्टिव हाइपी ऑफ अनदर प्लांट फॉर्मिंग डाइकैरियोटिक माइसीलिया, और इसी की वजह से एक बेरी बेरी प्लांट दूसरे बेरी बेरी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, नाउ जो एसीडियल होता है, एसीडियल यहाँ पे एसीशियल लिखा है, ये आप एसीडियल भी पढ़ सकते हो। तो एसीडियल स्टेज जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक एसीशियल स्पोर फ्रॉम माइसीलिया। तो जो माइसीलिया था ऊपर, ठीक है, सीनियो स्पोर का, उससे फॉर्मेशन होता है आपका एसीडियल स्पोर का, और चेन लाइक एसीडियल स्पोर बनते हैं, और वो फिर विंड के वजह से उड़ करके सारे ही सीरियल होस्ट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। ये आपके थे पूरे के पूरे 5 स्टेज, और आगे भी मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी। उससे पहले चलो ये पहले ये देख लेते हैं जो डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें आप देखो, मैं इसको जूम करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको दिखेगा ये वीट, ठीक है, ये वीट है। तो यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर इलोंगेटेड ऐसे करके हैं ये सारे, ठीक है, ब्राउन कलर के। तो यही क्या है, यूरिडियो स्पोर है। सबसे पहले यूरिडियो स्पोर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है स्टेम विथ यूरिडियो स्पोरेंजिया, और यूरिडियो स्पोरेंजिया से बाहर निकलते हैं ये यूरिडियो स्पोर, और ये यूरिडियो स्पोर आगे फॉर्मेशन करते हैं टीलिटियो स्पोरेंजियम का, और टीलिटियो स्पोरेंजियम से बाहर निकलता है क्या, टीलियो स्पोर, और वो होता है डाइप्लॉइड सेल विथ 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। और यहाँ पर फिर जब टीलिटियो स्पोर में मियोसिस होता है तो उसमें बनता है बेसिडियो स्पोर, और बेसिडियम होता है, बेसिडियम में से बेसिडियो स्पोर निकलते हैं, और फिर यही बेसिडियो स्पोर कहाँ जाते हैं, बेरी बेरी के प्लांट पे, और बेरी बेरी के प्लांट में साइडियम बनता है, ठीक है, साइनिडियम, सिनीडियम, जिसको आप स्पर्मेगोनियम भी कह सकते हो, और ये रिसेप्टिव हाइपी एंड स्पर्मेटिया कंटेन करता है, और फिर इसी से बाद में जा करके एसीडियम बनता है, और एसीडियम से फिर से वो वीट में चला जाएगा, और फिर वीट से फिर पूरा यही साइकिल चलता रहेगा, और आसपास के सारे सीरियल होस्ट को वो क्या कर देगा, डैमेज कर देगा विद। नाउ चलते हैं आगे की स्लाइड पर और देखते हैं कि आगे की स्लाइड में क्या है। तो ये फिर से एक छोटा सा डायग्राम है जिसको आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर था सीरियल इन्फेक्शन हुआ, यूरिडियो स्पोर, फिर देन टीलियो स्पोर, देन बेसिडियो स्पोर, देन बेरी बेरी का इन्फेक्शन हुआ, फिर स्पर्मेटिया बना, फिर एसिडियो स्पोर बना, फिर वो सीरियल इन्फेक्शन करने लगा, मीन्स कि वीट में या फिर बार्ले में। तो ये था आपका छोटा सा डायग्राम, एंड ये आपका पूरा का पूरा एक डायग्राम है जो कि अगर आप एग्जामिनेशन में बनाते हो तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, मीन्स इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बनाना होगा तो ये बना लेना, और क्योंकि ये आपका बहुत ही अच्छा डायग्राम है, एक बहुत ही अच्छा आउटलाइन है। तो अगर किसी को बनाना होगा तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट, और वही मैंने जो ऊपर आपको समझाया है ना वही चीज़ यहाँ पर है, तो मैं दोबारा नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ फिर से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, यूरिडियो स्पोर, टीलिटियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, सिनीडियो स्पोर और एसिडियो स्पोर के बारे में, ठीक है। तो यूरिडियो स्पोर क्या होता है, डाइकैरियोटिक कंटेनिंग 2 अनफ्यूज्ड हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन 1 सेल फॉर्म्ड ऑन इंडिविजुअल स्टॉक। तो यूरिडियो स्पोर जो होता है वो एक स्टॉक पे, मीन्स कि एक इंडिविजुअल स्टॉक जो वीट की होती है उस पर क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होते हैं, तो ये 2 अनफ्यूज्ड होते हैं, इनमें हैप्लॉइड न्यूक्लियाई पाई जाती है, और ये स्पाइनी होते हैं और ब्रिक रेड कलर के पिस्ट्यूल्स में आपको दिखेंगे। द ओनली टाइप ऑफ द स्पोर इन द रस्ट फंगस लाइफ साइकिल दैट आर कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग द होस्ट ऑन विच दे आर प्रोड्यूस। तो इन 5 स्टेज में से यही एक ऐसा स्टेज है जो जिस होस्ट पर प्रोड्यूस होता है और उसी होस्ट को क्या करता है, ये इन्फेक्ट भी करता है, ठीक है। वरना अगर टीलिटियो, बेसिडियो और सिनीडियो और एसिडियो को देखें तो इनमें से ये चारों ही क्या है, ये जो चारों होते हैं ये
खुद फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और तब वो जा करके इन्फेक्ट करते हैं, बट यूरिडियोस्पोर जो होते हैं वो खुद ही प्रोड्यूस होते हैं और खुद ही इन्फेक्ट भी करते हैं। टिलिटियोस्पोर के बारे में अगर पढ़ें तो ये डार्क ब्राउन कलर को आपको दिखेंगे या फिर ब्लैक भी दिख सकते हैं। स्टॉक्ड होते हैं, टू सेल्ड के होते हैं और स्पिंडल शेप के होते हैं, थिक होते हैं, ब्लैक एंड स्मूथ वॉल इनमें पाई जाती है और द ओनली फॉर्म इन विच पक्सीनिया ग्रैमिनिस इज एबल टू ओवर विंटर इंडिपेंडेंटली ऑफ अ होस्ट अंडर गोस कैरियोगैमी एंड म्योसिस। तो ऐसा स्टेज, एकमात्र ऐसा स्टेज है इन पांचों स्टेज में से जिसमें कैरियोगैमी एंड म्योसिस होती है और पक्सीनिया ग्रैमिनिस का एकमात्र ऐसा मतलब ये स्टेज है। बैसिडियोस्पोर की बात करें तो ये हैप्लॉइड प्रोडक्ट होता है म्योसिस का, थिन वॉल्ड इसमें पाई जाएगी, कलरलेस होता है, कैन नॉट इन्फेक्ट द सीरियल होस्ट, ये कभी भी सीरियल होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, बट कैन इन्फेक्ट द अल्टरनेटिव होस्ट, लेकिन ये अपने ही अल्टरनेट मीन्स कि अगर बेरी बेरी पे है तो ये बेरी बेरी को ही इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब इसका है कि अल्टरनेटिव होस्ट को ये इन्फेक्ट करेगा। जब बैसिडियो स्पोर से सिनिडियो स्पोर बनेगा तो वो सिनिडियो स्पोर जो होता है वही किसी और को जा करके इन्फेक्ट कर सकता है। तो बैसिडियो स्पोर हमेशा अपने अल्टरनेटिव होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, दूसरे होस्ट को नहीं। ठीक है, सिनिडियो स्पोर है तो सिनिडियो स्पोर जो होता है वो कैन फर्टिलाइज द रिसेप्टिव हाइपी, मैंने ऊपर बताया था कि ये रिसेप्टिव हाइपी से क्या करते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं ऑफ द अपोजिट मेटिंग टाइप लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम, और बिकॉज कि ये फर्टिलाइज हो जाते हैं रिसेप्टिव हाइपी से तो इसलिए इनका डाइकैरियोटिक माइसीलियम हो जाता है। और एसिडियो स्पोर की बात करें तो ये भी डाइकैरियोटिक होते हैं, राउंड होते हैं, येलोइश होते हैं, रेड, यूनिसेलुलर, बाइन्यूक्लियेट, थिक वॉल पाई जाती है विथ 6 जर्म पोर्स पाए जाते हैं इसमें, और ये चेन में हमेशा ही प्रोड्यूस होंगी, ये कैसे ऐसे चेन में ये प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, एंड एबल टू जर्मिनेट ऑन द सीरियल होस्ट बट नॉट ऑन द अल्टरनेटिव होस्ट, और ये कभी भी सीरियल होस्ट पर जा करके जर्मिनेट हो सकती हैं, अपने अल्टरनेटिव होस्ट पर ये कभी भी नहीं जर्मिनेट होंगी। ठीक है, तो ये था एक ग्लिम्स से मतलब इसका पांचवें स्टेज का, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन सम फिगर्स, तो कुछ मैं फिगर्स से आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि आखिर में ये सारे स्टेज हैं क्या। वीडियो लंबी बन रही है बट आपके फ़ायदे के लिए बन रही है, ठीक है, तो लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर पक्सीनिया ग्रैमिनिस है, ये है टी एस वीट लीव पासिंग थ्रू अ यूरिडियो स्पोर, और ये एक यूरिडियो स्पोर है। ठीक है, तो लेट्स सी कि आखिर है क्या। तो देखो, ये है आपका पूरा होस्ट का सेल, ये होस्ट सेल है, इनमें इंटरसेलुलर हाइपी पाई जा रही है, किसकी, यूरिडियो स्पोर की। ठीक है, ये है पूरा यूरिडियो स्पोर, ये है रप्चर्ड इपिडर्मिस, किसका रप्चर्ड इपिडर्मिस किसका है, ये प्लांट के स्टेम का। ठीक है, और ये सारे यूरिडियो स्पोर है और यूरिडियो स्पोर के स्टॉक रहे कहाँ पर है, स्टॉक कहाँ जा रहे हैं, उनका हाइपी कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है प्लांट के इपिडर्मिस में। ठीक है, जो स्टेम का इपिडर्मिस है वहाँ पर। अगर आपसे कोई बोले कि यूरिडियो स्पोर सिंगल यूरिडियो स्पोर का स्ट्रक्चर बताओ तो वो क्या है, तो देखो सिंगल यूरिडियो स्पोर में क्या क्या पाए जाते हैं, स्टॉक पाया जाता है, बॉडी पाया जाता है, इंटाइन पाया जाती है, जो अंदर की वॉल होती है उसे इंटाइन कहते हैं, एक जर्म पोर पाया जाएगा, कितने जर्म पोर, एक जर्म पोर, और एग्जाइन पाया जाएगा जो कि क्या होगा, थोड़ा बहुत स्पाइनी या हेयरी हो सकता है। ठीक है, तो ये था एकमात्र यूरिडियो स्पोर का मीन्स की फिगर। अगर आगे बात करें तो यूरिडियो स्पोर ये आपको दिखा, ये देखो यूरिडियो स्पोर है, ये स्टॉक है, और ये पूरा का पूरा प्लांट का है, और होस्ट की मीन्स टिश्यू है, और उसमें यूरिडियो स्पोर का ये हाइफी फैला हुआ है। ठीक है, यही इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, नाउ ये भी यही कुछ है, आपको बता रहा है कि कैसे कैसे। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसकी, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टिलिटियो स्पोर दिख रहा है, क्योंकि यूरिडियो स्पोर के बाद टिलिटियो स्पोर आता है। तो टिलिटियो स्पोर में आपको देखो ये सारे रहे टिलिटियो स्पोर। ठीक है, टिलिटियो स्पोर ये रहे, और ये रहा होस्ट का पूरा टिश्यू, और इसमें ये पूरे इनके हाइफी आए हुए। सो जो ये टिलिटियो स्पोर है यही आगे चल करके बैसिडियम बनाएगा, और बैसिडियम ये पूरा आप स्ट्रक्चर बैसिडियम कह सकते हो, और इसमें ये सारे हो गए आपके बैसिडियो स्पोर। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग ये देखो ये कितना अच्छा फिगर है, अपर सरफेस ऑफ बेरी बेरी सोइंग सिनिशिया। सो अब आप याद करो कि टिलिटो स्पोर के बाद बैसिडियो स्पोर बना, बैसिडियो स्पोर के बाद क्या बनेगा, सिनिशियो स्पोर। तो सिनिशियो स्पोर में देखो ये रहे आपके पिसिनिया या फिर सीनिया आप बोल सकते हो, फिर यहाँ पर इस एशिया बन जाएगा या फिर एशिडियल जो स्पोर होते हैं वो बन जाएगा, और ये रहा आपका सिनिशियो स्पोर। सिनिशियो स्पोर देखो ऊपर रहता है और एसिडियो स्पोर जस्ट उसके नीचे रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो स्टेज जो कि बेरी बेरी का है। नाउ ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, देखो ये एसिडियो स्पोर है, ये पूरा होस्ट सेल है, ये पिरीडियम है, रप्चर्ड लोअर होस्ट इपिडर्मिस। अब देखो कि
जब रस्ट हो जाता है तो प्लांट में क्या चेंजेस आते हैं। तो प्लांट इन्फेक्टेड विद पक्सीनिया सो पुअर डेवलपमेंट, सबसे पहले तो बहुत ही गंदा डेवलपमेंट दिखाई देगा, मीन्स डेवलपमेंट होगा ही नहीं। रेड्यूस सीड साइज, सीड जो होगी उसकी साइज क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ब्रोकन एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस ही तो भाई ब्रेक हो रहा है तो उसी की वजह से तो हाइफी जा रही है ना पक्सीनिया के अंदर, तो इसकी वजह से एपिडर्मिक ब्रेक हो जाएगी और प्लांट क्या हो जाएगा, ससेप्टेबल टू डेसिकेशन एंड फंगल इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से प्लांट जो होंगे वो जल्दी ही मीन्स मुरझाने लगेंगे, टूटने लगेंगे। और जो फंगस इन्फेक्शन मीन्स कि जब पहले से एपिडर्मिस टूटा हुआ है तो अगर पक्सीनिया का हाइफी जा सकता है तो अदर फंगस के भी तो इन्फेक्शन जा मीन्स हाइफी जा सकते हैं ना, तो अदर फंगल इन्फेक्शन भी होने के बहुत ज़्यादा डर रहते हैं। डिफॉलिएशन हो सकता है, मीन्स कि डिफॉलिएशन मतलब कि आप समझ लो कि पतझड़, ठीक है, तो पतझड़ वाला मीन्स कि पूरे के पूरे प्लांट ही ख़त्म हो सकते हैं, झड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ डिसीज़ कंट्रोल, कि इसको कैसे रोका जाए, तो इमीडिएट रिमूवल होता है कि अगर मान लो किसी लीफ पर पक्सीनिया ने अटैक किया है तो सबसे पहले तो उस लीफ को आप तुरंत ही हटा दो, क्योंकि फिर वो अगली लीफ को इन्फेक्ट करेगा, फिर वो अगली को, तो ये फिर ऐसे भाईचारा चलता रहेगा और पूरा का पूरा प्लांट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अवॉइडिंग ग्रोइंग अल्टरनेट होस्ट नियर बाई प्राइमरी होस्ट प्लांट, तो अगर किसी प्लांट के पास पक्सीनिया ने मीन्स वो पूरा ही प्लांट पक्सीनिया इन्फेक्ट कर चुका है, तो कभी भी उसके अल्टरनेट में कोई प्लांट ना लगाया जाए, क्योंकि फिर वो उड़ करके विंड के द्वारा फिर उस पर भी जा करके इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। थर्ड है कि फंगीसाइड का यूज़ करें, ठीक है, फंगीसाइड का यूज़ करने से वजह से आप रोक सकते हो, लाइक सल्फर डायाजाइन या फिर निकल सल्फेट, इसको यूज़ करने से आप रोक सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। और रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ प्लांट का यूज़ करें आप, जो ज़्यादातर जो फंगस से रेजिस्टेंट हो वैसे प्लांट का यूज़ करें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल ओवर द पक्सीनिया ग्रामिनीज, एंड ये बहुत ही अच्छा सेशन मेरे तरफ से मुझे लगा कि है, एंड आई होप कि ये आपको भी अच्छा लगेगा और ये आपको हेल्प भी करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और मैं वैसे भी फंगस की प्लेलिस्ट अब धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगी, बट अगर कोई भी फंगस रह जाता है आपके सिलेबस से तो कमेंट, मैं उसकी वीडियो जल्दी बना दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।